इंडिया और आयरलैंड के बीच खेली जा रही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को मिली पहली जीत। 108 रनों का पीछा करते हुए भारत टीम ने 16 गेंद रहते मैच को अपने कब्जे में किया। नमस्कार दोस्तों, हॉट स्टॉक में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड में इंडिया और आयरलैंड के बीच खेली जा रही T20 क्रिकेट में भारत को मिल गई है पहली जीत। बारिश के कारण मैच थोड़ा डिले हो गया, लेकिन जब शुरू हुआ मैच तो वो 20 ओवर से घट के 12 ओवर तक का हुआ। सो इस 12 ओवर के मैच में इंडिया, जो पहले ही टॉस जीत गई थी, बॉलिंग का फैसला लिया और आयरलैंड को बैटिंग के लिए निमंत्रण किया, जिसमें आयरलैंड के बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवरों में से 108 रन का लक्ष्य दिया इंडियन को। आयरलैंड से हैरी टैक्टन ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 33 बॉलों में से 64 रन बनाए, जिसमें युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और आवेश खान को एक एक विकेट हासिल हुए। अब आई इंडिया की बारी। 108 रनों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 12 ओवरों में इंडिया की बैटिंग शानदार रही, जिसमें दीपक हुडा शानदार बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए 47 रन बनाए, वो भी सिर्फ 29 बॉलों में। इंडियन टीम को जिताने के लिए ईशान किशन और दीपक हुडा का भी बहुत ही योगदान था, और हार्दिक पांड्या जो इस मैच के कैप्टन थे, उन्होंने 12 बॉलों में से 24 रन बनाए और ईशान किशन 11 बॉलों में से 26 रन बनाए। सो दोस्तों, 108 रन का पीछा करते हुए इंडियन टीम ने 12 ओवर में से 16 बॉल्स रहते हुए लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया और इस मैच को अपनी झोली में डाल लिया। पहली मैच तो इंडिया के खाते में आ गई, देखते हैं दूसरी मैच कैसे होती है। अब इसकी इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि हम लोगों की बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रांग है, तो देखते हैं, विश करते हैं कि इंडिया ही जीत जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक मार दीजिएगा, और अगर न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।